यार देख के दुख हो रहा है। कॉपी बन जाएगी। चलो ना अभी खिचड़ी पूरी। अभी टेस्ट हो रहा है खिचड़ी पूरी में। अभी आपके पैर निकल गए थे, मैं दो महीना भाग गई तो दादी को बना दे नानी और नानी को बना दे दादी। मैं ऐसे उठा फ्लाइट से और थोड़ा में अपनी गोटरी लग गए, मैं बेहोश हो गया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी दुबई की लिफ्ट में। ऐसे एक महीने से मैंने जिम नहीं करा, उससे अब गाने आएंगे। आज बढ़िया मोटिवेशन क्या है होपफुली। पहले दिन आके ना बाउंसर बन जाते हैं। देखा टेस्ट आ एक मैं सब्सक्राइबर मिला, पूछता है देखो कौन है। अरे ये तो इन्फॉर्मेटिव चीज़ है ना, सब कनाडा भाग जाते हैं। प्रोस एंड कॉन्स बताओ। ये देखो हमारा जिगरी भाग गया, फिर ब्रेकअप कर लिया था मैंने, आज पैचअप किया। अब बताओ ना क्या बोलते हैं, पहले मैकडॉनल्ड्स में काम करना पड़ा 3 महीने। आपको जाके सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ेंगी। हाँ। और करनी भी चाहिए। जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पापा के पास पैसे हैं वो थोड़ी करते हो, वो भी करते हैं। अरे जिसका बाप अंबानी है वो थोड़ी लेगा, अच्छा मैं बताता हूँ ना, जिनको करना होता है वो कनाडा जाते हैं, बट जितने भी मेरे अमीर दोस्त हैं सारे लंदन जाते हैं। कोई जॉब जॉब थोड़ी करता है, वो तो गाड़ियां घोड़ी चला रहे होते हैं। फिर आप टेलीकॉम में चले गए। ये सब पार्ट टाइम जॉब्स ही होती हैं। हाँ। जैसे सेल्स जॉब्स हैं, कमीशन बेस्ड जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स होती हैं इनमें भी। अब अच्छा लगता है नई टीम होटल जी करते जाए करते जाए। तो टीम होटल में कितने और इन सब में कितने पैसे मिलते हैं? पैसे इतने वहाँ पे फिक्स है। क्या है? 16.5 सबको मिलते हैं। 16.5 डॉलर्स पर आवर फिक्स है। और एक दिन में कितना कर सकते हो? डिपेंड करता है, पहले 20 था, फिर स्टूडेंट्स की लिमिट हटा दी, अब जितना मर्जी कैलकुलेट करने दो ना। 16 टू 20 हो गया 320 हो गया डॉलर। अगर 16.5 के हिसाब से स्टूडेंट पे जिस पर काम करोगे तो आप 1500 डॉलर से ज्यादा महीने के नहीं कमा सकते। 1500 डॉलर महीने के। बट अगर आपके पास कमीशन बेस्ड जॉब है या आपने ढूंढ ढांड के कहीं इंटर्नशिप ढूंढ ली तो उसकी पे बेस पे भी 21-22। मेरे पास एक जॉब थी जिसकी अगर अपने टारगेट हिट करे तो पर आवर $32 मिलते थे। पर आवर तो डबल हो गए सीधा। हाँ। तो वो महीने कितने हो गए? 3200 मिलते थे। हाँ। तो 2 लाख के आसपास। और खर्चा कितना है वहाँ पे? डिपेंड करता है, खर्चा लोग का $1200 भी होता है और $2200 भी होता है। आपका कितना होता है ये बताओ? उतना खर्चा है तो आप सारे उड़ा देते हो? नहीं। फिर अभी आपने पूछा फीस कैसे दी? फीस कैसे दी? हाँ। बचा के दी ना उसमें से। चल बचाऊ तो आप हो तो बचा के फीस दे दी और उससे पार्टी भी कर ली। वहाँ परचेजिंग पावर बहुत है तो आपको खर्चे करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते। तो आपको फोन चाहिए 2 साल की इंस्टॉलमेंट बनवा के ले लो। हाँ। आपको $2000 थोड़ी चाहिए फोन लेने के लिए। गाड़ी चाहिए ले लो, पैसे देते रहो 30 साल। सब किस्तों वाला खेल रहा है। डेट इकोनॉमी। तो आप पढ़ाओगे किस पे, कितना खा लोगे? और परचेजिंग पावर बच्चों के पास भी होती है, सब जाते हैं आईफोन कैसे ले लेते हैं। और रेंट $10 महीने में रेंट बहुत ज्यादा होता है। रेंट कितना है आपका? आपका कितना है? 800 3000 डॉलर्स पूरे अपार्टमेंट का महीने का। थोड़ी आपका रूम का बताओ ना। एक रूम का आधा 1500, दो लोग रह रहे हैं तो 750 ईच। ओ तो 750 बिल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यूट। आप आ जाओ फिर हिसाब लगा। मैं तो आके कर ही लूंगा। आज वो लेने आया था कनाडा वीजा, उसको भगा दिया मैंने, मैं भागे थे। अरे मेरे को दुबई जाना है ना इर्थ को, अब वो इनको बोला था पहले, इसको बेफो को बोला पहले, दे दे दे, इसने दिया ही नहीं। मतलब कुछ हो भी रहा हो ना, ना भी हो रहा हो, मैंने नहीं। हाँ तो तू नहीं गया। गाड़ी अब पता नहीं, अब मैं आऊंगा दुबई से तब दूंगा, फिर जाएगा 3-1 हफ्ते बाद आएगा। समर में आना। लेकिन समर कब है? अप्रैल के बाद। हाँ तो अप्रैल ही सोच रहा था मैं। अप्रैल के बाद नवंबर तक कभी। हाँ अप्रैल ही सोच रहा था। वो कब कलर्स कब होते हैं, येलो रेड? हाँ, वो सितंबर में। नहीं इतने अगस्त एंड में। और बैंफ, बैंफ जाना मैंने। हाँ वो आप विंटर की जगह इस टाइम स्प्रिंग में भी जा सकते हो, मतलब अभी ना भी जा सकते। तो अभी बर्फ भी होगी ना वहाँ पे थोड़ी सी? हो सकती। पानी फ्रोजन तो नहीं होगी? अरे मेरे को
फ्रोजन गई वो फेब में हूं। जनवरी मुझे फ्रोजन नहीं चाहिए ना, मुझे फ्रोजन नहीं चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए और ऊपर बर्फ चाहिए। हां तो वो तभी वो बर्फ जो सबसे ज्यादा सुंदर वो लगता है ना चारों तरफ माउंटेन्स बीच में वो क्लियर पानी, हां वो सबसे ज्यादा उसमें दिखता है, फॉल में दिखता है। अच्छा फॉल में ट्रीज भी कलरफुल हो जाते हैं ना, सितंबर अगस्त में, सितंबर में आओ फिर। हां चलो ठीक है फिर, कौन ज्यादा मत बोल समझा, तेरे पास वीजा नहीं है ना, वीजा लेके आओ, वीजा लगवा फिर, पहले यूएस का लगाओ ना, उसके बाद कनाडा फ्री में लग जाता है। नहीं मेरा तो यूएस की वजह से लगा ना, मेरा यूएस वीजा था तो मैंने कनाडा अप्लाई, उसने मेरे यूएस लगना है, अब मेरे को यूएस वीजा अप्लाई करना है। अगर यूएस नहीं है लॉल पर बात तो दे देंगे जिन, क्योंकि फ्लाइट सस्ता, हां एक बार में लग जाता है बट फ्लाइट बहुत सस्ती हो जाती है ना वाया यूएस आओ तो, अगर ऐसे $2,200 की फ्लाइट है वाया यूएस $1,300-$1,400 की, बस कैसे न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क तक बस जाती है वहाँ से। हाँ, हाँ, तो आप चले गए बॉर्डर क्रॉस करके, हाँ अब हमारे लेके चले जाओ न्यूयॉर्क से फ्लाइट लो इंडिया की। वाह सही है, ये भी जुगाड़ सी है। हाँ मैं अभी न्यूयॉर्क की दे रहा था, 70,000 रुपए की थी फ्लाइट। तो न्यूयॉर्क की फ्लाइट मतलब यूएस की फ्लाइट, रिटर्न कह रहा हूँ मैं, एयर इंडिया की रिटर्न 60-70,000 की थी। हाँ क्यूट, वहाँ पे फोन करती कह रही भैया आपने सही सिखा दिया, अब मैं मस्त पीती हूँ। हर सैटरडे को नशे करके फोन आ जाते हैं 3 बजे। फिर दे दो कुछ तो, दे दो उसको अगर फोटो खींच लोगे फिर पहुंच जाएंगे जरा एक ट्रेस करते हो तो, अगर मतलब फोटो खींचता था आधे घंटे में पहुंच जाता चलाना के पास, ऑनलाइन मोबाइल पे मैसेज आया था कुछ नहीं। नंबर प्लेट कौन सी हो गई आपकी गाड़ी की? असली वाली है, मैंने लगवाई थी वो, तो तेरी तेरी तो है, तेरी नंबर प्लेट लगा देता हूं उसमें यार, असली वाली कार तो वो चेक करके देखेगा नहीं, जैसे कि थार है कि आइटम चल रही है। अरे नहीं नहीं वो उसने वो बताया कौन मेरे को बोल रहा था कि आपके आगे वो जो स्लिप लगी है ना उसमें डेट लिखी होती है, कहा यार ये तो उसमें लिखी हुई सामने डेट, एक स्टिकर लगा देते सामने ना उसपे सब कुछ लिखा है। The next morning. गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अदर एपिसोड की शुरुआत हो गई है बहुत ही जल्दी, आज हमारी रूटीन वापस सेट हो गया, टाइम से सो गया था और हमारा फेवरेट शो आ चुका है फॉर्मूलास ड्राइव टू सर्वाइव, वो देखते देखते मैं सो जाता हूँ, फिर मैं VF1 ड्राइवर बन जाता हूँ, हर को मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। अरे गाड़ी चला रहे F1 ये कोई नई रील देखी थी मैंने सुबह में, ये पी रहा हूँ आजकल क्या क्या बताओ, हाँ टेस्टी तो है, बस इसमें वो नहीं है तो वो भी डालो ना फिर, मंगाना पड़ेगा इसमें डालना है, क्या क्या डालना है, अदरक लौंग इलायची शिकाकंद शैम्पू, शिकाकंद शैम्पू क्या क्या है, हल्दी अदरक हल्दी काली मिर्च नींबू शहद और बस, आमला भी डालो ना, आमला भी चाहता मत बोल, आमला डाल तो दिया। सो गाइस हम जा रहे हैं वापस रैंप को ठीक कराने, उसको देख गया एक एक जाती है दूसरी आती है, ये दे रहा हूँ आप तो कर नहीं रहे, क्या करो किस मैंने क्या करानी है आप करो, सर मैं ओए ये क्या हुआ भाई, रैम गलियों में नहीं चला सकते भाई, चोर से मारी गया, क्या हुआ चंटे को, क्या हुआ कद्दू कैसे, बढ़िया बढ़िया मस्त दो मदा यार, देख के दुख हो रहा है, सेम बननी चाहिए नहीं तो दो मदा कर देंगे मेरा, पर वो घड़ी भी कैसे बनेगी ये दुबई, ऐसे कैसे लिखा होगा, ये वही देते हैं, ये तो आप अपनी रख लेना ना, फ्रेश चटैक लग रही एकदम चटैक, फैंस आ जाते हैं फोटो लेने, एक्सक्यूज मी अभी फोन करके नहीं आएंगे, ऐसे सरप्राइज अटैक ब्रैंकेट्स, चलो गाड़ी दिलाने जा रहे हैं मम्मी पापा को, क्योंकि पापा की गाड़ी अब खत्म हो चुकी है, चला नहीं सकते, चलान पापा को पकड़ लिया कल पुलिस वाले ने,
और ये भी नहीं चला पाते और तो कुछ चला ही नहीं। वाह चलो जीजू आते हैं तो एक अच्छा काम होता है, गाड़ी साफ हो जाती है। वैसे मैंने बाहर से कल कराई है इसको साफ, 500 रुपये दे के मस्त गार्ड मिल गया हमें, वो बंदा घर आके साफ कर देता गाड़ी। क्या आपकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचा रहे? क्योंकि मैं फोटो खिंचाऊंगा। अरे अपनी है, पड़ोसी की नहीं है, गाड़ी फूटेगा समझो। अभी क्या हो गया इसको, इतनी जंपिंग क्यों हो रही है? क्या लगता है बताना? पीपा पीपा क्या होता है? चकोर होता है ना पीपा, पहले नहीं पीपे में आता था तेल, चकोर 16 किलो का होता था वो, तो उसको पीपा बोलते थे। उसको ऊपर टॉप काट के फिर उस पर ढक्कन लगवा देते थे, उसमें चावल आटा वो सब और स्टोरेज के लिए भी बड़ा चाहिए होता था। तो ये गाड़ी वो है, स्क्वेयरी शायद है एकदम सही। मतलब बाहर कितनी फेमस गाड़ी आई है। अच्छा आइसलैंड में हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि ये गाड़ी ले लेने जब पहली बार गए थे। अच्छा हरे रंग की यही चलती थी वहाँ पे बहुत ज्यादा, कलर वाली तो अच्छी लगती। हाँ चिंटू जी है मस्त है, मम्मी साथ बैठोगे चिपक के रहोगे। हाथ पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। हाँ गियर चेंज करते हुए हाथ बढ़ते रहते हैं, इसमें छोटी है। तो वो तो तुम के लिए अभी वो उसने क्या अपनी गाड़ी के टायर उसके पे लगवा के चेकबुक लाया मेरी? नहीं मैंने डिसाइड तो कर लिया, तो आपको पता मैं गाड़ी कैसे लेता हूँ। किया का शोरूम है का? किया बस ये है कि उसकी सेफ्टी नहीं है, बट वैसे गाड़ी मुझे तो अच्छी लगी थी। पर आपने कौन सी ठोकनी है? नहीं हमने थोड़ी ठोकनी, अब चाचा चला ही रहा है 3 साल हो गए। मेरे लिए ठीक नहीं है तो तू और अभी क्रेटा भी अच्छी है, मुझे क्रेटा भी बहुत सही लगती है। क्रेटा भी अच्छी है, क्रेटा और सेंटोस एक जैसी है तकरीबन। अब बड़ी गाड़ी आप चला नहीं पाओगे, नहीं तो सफारी ले लो। नहीं नहीं सफारी भी अच्छी है, सफारी सफारी से बेटर हुआ जो दूसरी आई है ना जो है उनकी महिंद्रा की। नहीं या तो उनकी इसकी वो ले जो डबल हाइब्रिड है ना। कौन सी? मेरे को वैसे अगर मुझे लेनी होती तो मैं फोक्सवैगन लेता क्योंकि वो ड्राइविंग में सबसे बढ़िया है, बट इंडिया के लिए सही नहीं है क्योंकि उसके होंडा ठीक है। या फिर बाइक ले दे। क्या रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, बाइक ले दे। मैं खुद तो गिरेंगे आपको भी गिराएंगे। ये मुदित की गाड़ी है, यही तो लेके गया था। हां हां मुदित का ये जिमनी भी है, इसकी गाड़ी ठोक दी ना प्रोडजी ने, ये देखो। हां रुक तेरी तो उसने कैसे ठोक दी? बेवकूफ है चलानी आती तो फिर दी क्यों उसको? बेवकूफ है, तूने बोला था इसको दे दे नहीं वो चला रहा था मेरी गाड़ी, मुझे चला रहा था। पावर टेस्ट लेते हैं, ऑटोमेटिक चला सकते हैं कि नहीं? उतर गया था ऐसे गाड़ी से, एक्सीडेंट थी। आप चला के घर ले जाओ, नहीं तो मैं उतर रहा हूं। तू चल पड़ा चुपचाप मैं ड्राइविंग सीट पे आके। चलो चलाओ देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक ले पा सकते हैं कि मैनुअल लेनी पड़ेगी। लेट के चलो, चलो 8 ही आ रहा है, बेल्ट का आएगी। बस ऊपर करनी है, इधर रुको मैं करता हूँ। आइए नहीं ऐसे नहीं, इसको ऊपर कर दो ना। लेफ्ट वाला पैर नहीं छूना, बस ये हटाओ, लेफ्ट वाला पैर हटाओ। इसमें जो आपकी आदत है ना 50 साल की वो गलत है, इसको लेफ्ट को हटा के रखो। ब्रेक दबा के था? हाँ बस ब्रेक दबाओ और इसको छोड़ो। और ये कहाँ गया इसका? इसका दो दिख नहीं रहा, उसे निकल से नीचे डालो। लेफ्ट वाला पैर नहीं छूना बस। चलो ये पीछे करो बिल्कुल। हाँ हाँ और पूरा पीछे। हाँ पीछे हो गए बस, अब जैसे ब्रेक छोड़ोगे तो आगे चल जाएगी। हाँ। ये इजी है बल्कि। हाँ, हाँ, है तो। और बुढ़ापे के लिए ज्यादा इजी है, गियर थोड़ी चेंज करते रहोगे। चलो धीरे धीरे चलो। हाँ जो आएगा उड़ा दो उसको, कुछ नहीं लगेगा। भैया जेल जाना कि गाड़ी लेनी है। अब पैर हटा। हाँ बस वो राइट वाला पैर ही लेफ्ट पे जाएगा और वही लेफ्ट वाला पैर राइट पे जाएगा। आई नो मत करो। अरे उस दिन वहाँ पे इतने हैवी ट्रैफिक में चलाई थी मैंने। चलो लेफ्ट चलो। ये तो मैंने बोला मैं तो चला सकते उसको। लेफ्ट वाला पैर मत उठा, उसको मतलब पीछे बांध ही दो।
करनी पड़ेगी, गियर नहीं चेंज करना, हाथ बस घुमा लो, इस गाड़ी सामने सब रुक जाएंगे। अब काटो यहाँ पे कहाँ से आया छोरू, अब खिचड़ी में चलो ना, अभी खिचड़ी पूरा, अभी टेस्ट हो रहा है खिचड़ी पूरी में। अभी आपके पैर निकल गए थे, मैं देख लिया, पैर निकल गए थे, हाथ भी निकल गया था, डंडा रखना जैसे पैर उठे, अरे नहीं भाई हॉर्न मारो ना सबको, इतना बढ़िया हॉर्न है, हाँ लेफ्ट वाला पैर में उठाना, टुन टुन तेरे चक्कर में कर रहा है, नेक्स्ट वाला लेफ्ट लेना, वो वाला लेफ्ट मेरे पास आ जाएगा, मेन रोड आ गई ना, ये अशोक नगर वाली रोड आ गई, बना गया ना, रेड लेना, ब्लैक और रेड ले लेना, मैं ब्लू कलर रखता हूं, सिल्वर कलर रखता हूं, सिल्वर ले लेना, ब्लू का सा ब्लू ब्लू कुछ बटन, हां जी ब्रेक दबा के आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, सनरूफ खोल देना इसकी, आई मीन ये स्टार्ट करें, दबाओ स्टार्ट तो करो, आगे वाली जाने दे गाड़ी, वो हट जाएगी, निकल जाएगी, राइट ले लेना ना आप, 74 ब्रेक पे पैदा ओ को काम हर नारी का, चलो डी पे डालो, डी पे डालो, ब्रेक दबाओ यहां से, ओके ब्रेक छोड़ो, खोलना सनरूफ, खोलना, लाइट आए थोड़ी, नहीं नहीं ये मैं नहीं, सिर्फ ये सीट ठीक है, और ये जैसे ब्लैक कलर का यहाँ पे क्रीम कलर आ जाएगा, बाकी सनरूफ ऐसे ही आएगा, अडैश पता है पापा वो होता क्या है, आप तो इंजीनियर हो, बताओ क्या वो भूल गए, मैं अपनी गाड़ी में दिखाऊंगा, यस मैम जी, मैं मैम कस्टम को टेस्ट ड्राइव करा रहा हूँ, आप बताइए, तो रेस तो दो ठीक हो, इसमें आपको पावर है पेट्रोल कि कोई डीजल डाल दे, अरे वो बेवकूफ था बंदा, मैं उसको तीन बार बोला, मैंने कहा सादा तेल डाल दे, सादा तेल क्या होता है, नॉर्मल पेट्रोल हुआ ना, डीजल थोड़ी हुआ, चलो आ जाओ, तो गए जब हम आ गए हैं फोक्सवैगन, मेरी फेवरेट है, मुझे चलानी है फोक्सवैगन, इतना ऊंचा चढ़ गए एक सेकंड है, और गाड़ी लेने आया ना तो जवान हो गया, ये चलाने में मस्त होती है बहुत, और भागती भी है ये, किया कि मेरे को क्वालिटी नहीं अच्छी लगी, हाँ उसकी क्वालिटी बेकार है, वो ठुकी तो गई, इसकी 5-star रेटिंग है, उसकी तो 3 ही है, 2-3 है, मतलब इंटीरियर वगैरह वो थोड़े वैसे नहीं है कि हाँ नई गाड़ी में बैठे और आपको लगे कि हाँ बैठे हो, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है गाड़ी का, भाई नाम सेम ही है, टिगुआन या टाइगून दोनों से, हाँ ये थोड़ी सी महंगी है, 40 lakh की है, ये 20 की है, वो भी 20 की है, दोनों 22 बोले, डिक्की छोटी है, GT लाइन है ये, बागी की मस्त, दो मदा टाइगून और ये टिगुआन, टाइगून टिगुआन, ये क्या है, शीट स्टील, जिंक फॉस्फेट, इलेक्ट्रोफॉस्फेट फिनिश, वाटर बेस्ड सरफेस, ब्रैकेट्स, ये इन्होंने अच्छी वाली गाड़ियाँ तो रखी नहीं, पोलो मस्त रहते, पोलो GTR गोल्फ आती है दुबई में, क्या भागते हो चिंटू का, ठीक है ठीक है, अब इसकी ये सब बेसिक है, बट ये चलाने में ज्यादा अच्छी हो गया उससे, हो गया सीट ऊपर करनी है तो ऊपर भी कर सकते हो, बेल्ट लगा लो, बेल्ट चचा ब्रेक प्रेस करके ऑटोमेटिक चलाते हैं ना, नहीं तो आपने बस लेफ्ट वाला पैर यूज नहीं करना था, हां तो आपको आईडिया हुआ था, हां दैट इज राइट वाले से, चलो दो मजा दे दो, वी
यूज किया से अच्छी है चलाने में। वो डब्बा अगर वो ठुकेगी तो फिर बचेगा नहीं कुछ, ये ठुकेगी तो बच जाओगे। यहाँ किसको ऑन दे रहे हो? इसको दे रहे हो यहाँ आते थे नूडल्स खा रहे रात को आइसक्रीम, मेरी फेवरेट आइसक्रीम बंद कर दी। अच्छा तो नहीं खाता। मैं आइसक्रीम मंगाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, आप खा लो। अच्छा ऊपर का अच्छा होता है, बस नीचे यहाँ तो जाओ खाली रोड है। चलो दो मत जा दो रेस दो हम भी टेस्ट राइड ले लेते हैं जीटी टिगुआन। टिगुआन टाइगन में कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, कौन सी गाड़ी है, नाम क्या है इसका? टाइगुन टाइगुन दो मजा भाग रही है तो ब्रेक, अरे ब्रेक भी टेस्ट कर रहा हूँ लग रही है। गाइस किया देख ली, फोक्सवैगन देख ली, अब सोच रहे महिंद्रा भी देख ली, हैरियर भी देखे, हैरियर पीछे ये महिंद्रा देख लो फिर हैरियर देख लो। महिंद्रा देख लेते महिंद्रा, इसकी तो मैंने सारी चलाई हुई है महिंद्रा की ना, करण के पास दोनों है, स्कॉर्पियो भी है उसके पास, एक्सयूवी भी है, अभी उसने बीएमडब्ल्यू ली है 5 X5। तो सचिन के पास कौन सी X6? X6 है वो, रचिता की X6 है, जीजू की मजराती है, मैं की थी प्रमोट यार, इसके पैसे मिलते मुझे। अब किन्ने क्या होता है ब्लॉग पे थोड़ी बोलते हो, किन्ने ये थी ना हमने प्रमोट की थी दो मदा। गाइस यहाँ तो कट गया, ये हैरियर तो पेट्रोल में आती नहीं है, सिर्फ डीजल आती है, दो मत बहुत जरूरत है खाने की। अरे ये कल वो आशीष लाया था खाना है? हाँ इसको खांड भी नहीं पता क्या होता है। हाँ खाओ, जब मैं जिम जाता हूँ ना तो मैं दूसरों को खिला के इतना मजा आता है ना मुझे, खाओ खालो तू तो फट जाए, खाओ खाओ चिंटू को तो जरूरत भी है, तू इसको दूध में डिप करके खाया कर। हाँ सबको मौत आ जाती है, कोई किसी को कुछ बोल दे तो। तो गाइस हम सारी गाड़ियां देख रहे थे, तो मैं जरा वो देख रहा था कि भाई कौन सा है। अब उसको फैजल का फोन मिलाता हूँ, फैजल खान को, उसका भी है ना ऐसा कुछ। अगर आपको घुटनों में भी दर्द है तो घुटनों में दर्द कहाँ से आ गया, क्या क्या बता रही है, उतना नहीं फील होता है। मेरे को तो वही बेस्ट लगी, वो ये कौन सी है? तो अगर आप शहर में मेजरली, अच्छा होंडा की भी तो है, ये तो हमने देखी नहीं। सफर पे जब जाओगे मे बी ऑन लॉन्ग, होंडा की कौन सी थी, थोड़ी थकावट होगी क्योंकि सॉफ्ट हो, एलिवेट the next day. Hey guys, what's up? Good morning, welcome back to the episode. अच्छी शुरुआत जल्दी हो गई थी, बट हाँ अभी याद है, अभी डिले इतने चल रहे हैं, मैं मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का। अच्छा है वैसे छुट्टी ले लूँगा बढ़िया एकदम, मैं जा रहा हूँ परसों दुबई, कल एक इवेंट है, दुबई जाके छुट्टी। बबम होप यू लाइक द ब्लॉग्स, अच्छा लगा मिलके, बबम सी यू टुमारो। अब अच्छी लग रही है लाइट में बता रहा हूँ तेरे को। हाँ अच्छी लग रही है, इधर से दिखा रहा है आज तो मम्मी से भी एक्टिंग कराएंगे।
भाई तू है डायरेक्टर, तू बता। ये लास्ट टाइम है, ये पैसे खाता है, ये बहुत खराब ज्यादा है। इसके ब्लॉग में फुलपुरी के पास जा रहा है, मीटिंग है मेरी, मीटिंग है। देखा फोन दिखाना, चेक। तू क्यों चिढ़ रहा है? बता दो किस वाली से मिलने जा रहा है? अरे किस भी मिलने? फुरफुरी की परपरी से, क्लाइंट से। देखा फोन दिखाना, कौन सा क्लाइंट दिखा? कौन सी है? मिस फेमिना, एमटीवी रोडीज। तो गाइस हम जा रहे हैं जिम, अभी ब्लॉग थोड़ा कम कर रहे थे। अरीब की बाइक चोरी कर लिया, इसको चला के ऐसा लगता है कबीर सिंह चला रहे हैं। बारा बुम बुम, बारा बुम। वे न्यूट्रल पे है ना, दो मजा। चलो सी यू जिम में। तो गाइस एक तो मैं धोखा बताने भूल गया, कल मैंने डांस लगाए हुए थे और मैंने मम्मी को बोला वो हल्दी वाला दूध दो, दूध दिया मम्मी ने, हल्दी वाला दूध पी के सारे दांत येलो हो गए। तो इस कारण छोड़ दू चार दिन तक दो दांत बबू। तो उसका वेट 50 किलो है, उठा रहा है वो 150 किलो। दो मत 131 कितना हुआ? 131। मैं टांगे ना टूट जाए इसकी। घर पे 30 मिनट में पड़ी है खराब। अच्छा छोटी वाली आती है ना? हाँ, बैटरी वाली, रेड कलर की है। सेम ऐसी है? वाह, डिस्क ब्रेक भी है। डिस्क ब्रेक भी है उसमें? तो निकालते क्यों नहीं हो? खराब हो गई। खराब हो गई। चलो बाय। ये पेड़ देखो क्या मस्त लग रहा है, दो मजा। फाइनल गाड़ी आ गई हमारी हेक्टर, इसको टेस्ट करते हैं फिर डिसीजन ले लेंगे। मेरे को तो अच्छी लगती थी, फिर इन लोगों ने पैसे नहीं दिए मुझे, तो फिर मैंने कभी यूज़ नहीं की। चलो सीट आगे करनी है तो कर लो, हाथ नहीं पूरे नहीं जा रहे आपके, रुक के पहले कर लो सीट। सो गाइस फाइनली हम बहुत दिनों बाद एएमजी चला रहे हैं। मेरे दोस्त है मयंक, तुम्हें याद होगा, उसने नया कैफे खोला है। पहले हम जाते थे एंटीडोट, जब जैसे मैं एयरपोर्ट आता था वो लेने आता था, फिर वो नेदरलैंड्स, फिर वो पता नहीं यूरोप में कहीं भाग गया, 2 साल से गायब था। और अभी उसी ने मुझे बोला, मुझे तो याद ही नहीं था भाई बिटकॉइन भी कुछ होता था, मैंने 20-25 लाख रुपये लगाया हुआ था उसमें, फिर वो जब डूब गया $3,000 बचे थे, मैंने इसकी माँ मैं ऐप ही डिलीट कर दी। अभी मैंने वापस खोला तो मैंने बढ़िया पैसे हो चुके थे वापस। अब मैं सोच रहा हूँ वापस निकालूँ कि लालच आ गया कि और डालूँ। देखो मैं छेड़ नहीं रहा, जो रखे हुए हैं उसको रखे रहने दूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या समझे दोस्तों, हम चल रहे हैं बढ़िया एएमजी में। वी 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 लाइक टू पार्टी। ओए तेरी पैना, नया मयंक आ गया वापस। जैसे बिटकॉइन ऊपर गया फिर मेरे को इसकी याद आ गई, मैं कहूँ भाई आराम जाते मेरे पैसे लगवा के डुबा दी तूने। इंडिया कैफे खोला है? खुला नहीं है अभी, अभी खुलेगा, अभी खाली है। 7 डेज बाद आ जाना। यूज अनुने 10 टू गेट 10% डिस्काउंट। 20 चल ले लो। 20 में से 10 मुझे दे दियो ना वापस। सबने तेरे को बोला चिकन चेतीनाथ भाई वो बनता था? नहीं नहीं, अब ये गोली दे रहा है बस, इसने वो हटा दिया वो। मैं तो सोचता था व्लॉग बंद कर दूं। नहीं प्लीज, आपको पता ना कितने कलेश होते हैं व्लॉग, बहुत नजर लगती है, पता नहीं क्या क्या होता है। भाई बंद करो, मैरिज वाली हमने लास्ट मैंने भी देखी है पूरी। हां बहुत ही अमेजिंग। पापा नहीं देखते पर हम देखते हैं। क्या पता है स्टार्टिंग से आपकी दुबई जब से करण आया था तब से स्टार्ट की थी मैंने। हां टाइम पे मेरा बड़ा वो लो पीरियड था, बट लिटरली तुम्हारे को देखने के बाद आई एम
वाकई में मेरी तो मैं लिखती हूँ मैं, किसको देखू ये नहीं समझ आता तेरे को देख, इसको दिखता हूँ मैं और मेरी डॉटर, हम तीनों तो तुम्हारे पीछे पागल है। हम शाहरुख खान को भी नहीं इतना लाइक करते हैं। सो स्वीट। एक पिक्चर। हाँ डन। The next day. Hey, what's up? Good morning. Welcome back to another episode. Actually, बात हो रही है. बहुत late हम जा रहे हैं gym और जा कर देखा है दुबई एक event. वो press वाली को कपड़े दिया है. कौन आया कोई आ रहा? कौन? ये नहीं आ रहा क्या? नहीं. हम आ रहे हैं जा रहे हैं. दाल मत दिखे यार. हल्दी की वजह से साले पीले हो गए. तू क्या हो रहा है? चल चल बैठ. गिमनिया है गिमनिया। तो गाइस मोमेंट अच्छा छुपा के रखी हुई है. सही है ये, सही है मोमेंट ऑफ ट्रूथ. तो गाइस दुबई से गाड़ी लाने के बाद ये एक होता है कि अगर ठुक गए तो पार्ट्स लेने सारे दुबई जाने. अबे इतने सारे पार्ट्स कैसे लेके आऊँगा? बिजनेस में भी नहीं आएंगे इतने. तो एक बंदा और साथ तो बता रहा हूँ. हम इस पे वो करा देंगे फिर कलर चेंज. इसको भी ऑरेंज कर देंगे. क्या हंस क्या रहा है? और थोड़ा कम बिल फाड़ियो इस बार. हाँ इस बार बिल ही मत फाड़ियो. FOC फ्री ऑफ कॉस्ट. बाबा चल ठीक है मैं जा रहा लेट हो रहा हूँ फिर. चल ओके बाय. अभी मैं मेरी रात की फ्लाइट है पर अभी शूट के लिए जाना है. गुड़गांव जाना है ना इसलिए मैं दोपहर को निकल. भाई कोल्ड स्टार्ट के जो मजे आते हैं एकदम बड़े. एनीवेज मैं अभी स्पीति वाली सीरीज देख रहा था. मस्त थी भाई. उसकी जो लड़ाई हुई थी गाड़ी ठोक के और भी मस्त मस्त एलिमेंट्स थे. एट हिल पे बड़े लोग कमेंट. गाइस हम जा रहे हैं इवेंट पे. वो तूने उन वालों को हटाया? हटाओ स्टोरी से. करते करते तो मजा हो जाएगा भाई. मैं तो बहुत खुश हूँ. मैं दुबई जा रहा हूँ भाई 5 महीने बाद. बस मैं अपने आप को बचा रहा हूँ कि एक और गाड़ी ना उठा लूँ. देख तो मैं रहा था वैसे जाके देख के आऊँगा. अच्छी लगी पहले क्या बोला था? मेरे पीछे एक लड़की है उसको लेके गया था मेरे साथ आई है वो. और जब हम एंटर किए ना तो मेरी गाड़ी पीछे येलो गाड़ी खड़ी है लेक्सस खड़ी है. तो देख गया था मेरी गाड़ी खड़ी है उसके आगे लगा लो. चाबी दिखा. चाबी का है पहले जो साथ कोलैबोरेट करा हुआ है. पार्टी ऑन है भाई.
मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। ये देना स्प्रिंग रोल, चटनी तो डाल के ला था, चटनी का साले किसको भेज रहे दारू। जो पीता भी नहीं है, बीच में पीता भी नहीं आएगा। जा जा दो लेके आ जा भाई, वो मिल रही है LIIT। डेजर्ट अभी किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया। चिंटू को देखो भाई। चल आगे बता कैसी है। चलो चीयर्स। लवली पी लिया पहले, चीयर से पहले पी ली, धोखा चढ़ेगा। हाँ ये मैंने सर वीडियो के लिए ली थी, इसकी ड्रिंक है पकड़। नहीं भाई अंदर जंगल, संजय वन की जो अंदर जंगल है वहाँ गए हो आप? बिल्कुल एक ही बार गया वो जो सिमेट्री बोलते थे दिल्ली कैंट वाली, दिल्ली कैंट वाली। नहीं नहीं गाय जी देखो मेरा दोस्त है, इधर आ जाना, ये अच्छा आ रही है, सारे वीडियो अच्छे आ रहे हैं। कह रहे बर्गेन लेके जाएगा, प्लस वन इसकी फ्री है, पक्का ना देख ले। मैंने इसको बोला कल अगले महीने चलेगा, जैसे फ्री है चल, मैं मेरा फ्री है ना, मैं तेरा भी करा रहा हूँ। बर्गेन लेके चल रहा है, बर्गेन के अंदर लेके चलो मेरे को, पक्का डन। आपको क्या होता क्या तो बता। चलो मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, बताऊंगा क्या होता है, टाइम है उसके लिए। चलो सिंगल जाना चाहिए, कमिटेड जाना चाहिए, सिंगल। चलो ठीक है भाई, सिंगल है। चलो देखा कर मम्मी मेरे को खिला, मैं इसको भी खिला दो। So guys, final time आ गया, हम दुबई जा रहे हैं भाई अपने घर, अपने घर। ये किसका, लोगों का घर है? ये आपका घर है, मेरा घर थोड़ी है। काट पटे करता है दो और खा लो, अभी काली नजर बहुत लगी है। क्या लगी? मैं काली नजर बहुत लगी है, जितनी चीनी खा लो उतनी कम है। रुक जा रुक जा, एक मिनट इधर। हां क्या हुआ, भूत भूत उतार रहे हो? हां उतारो भाई, सबका उतारो, इसका उतारो, मेरा उतारो, सबका उतारो, जल्दी उतार। कौन है नींबू का है? नींबू नहीं चाहिए। काली नजर वाले, तेरा मुंह काला हराम। अच्छा मजाक कर, शु मंत्र जादू कलंतर श्रींग ब्रिंग सर बने भूत भय विषय वर्तमान बल्ली, दादी को बना दे नानी और नानी को बना दे दादी। क्या क्या कह रहे? ओके आडियो समी गर्ल्स, चलो चलो के बॉयज, कांग्रेचुलेशंस ऑन जुरा। थैंक यू। सो गाइस पोर्चुगल बुला रहे हैं, पोर्चुगल हम लिस्बन। भाई इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊँ, दुबई जा रहा हूँ, बट तो एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ यार, मुझे वही रहना है यार, वापस नहीं आना, पैसों का लाभ जाना था, इसलिए मैं आया था दोमादा। चलो हमारा घर कहाँ है? मैं बिजनेस नहीं जा रहा, हम इकोनॉमी जाएंगे। वैसे मैं माइनस पड़े हैं मेरे पास, तो नहीं यूरोप में कमाएंगे, वैसे ले लूँ कि नहीं समझ नहीं आता। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं दुबई, आज क्रेजी इंसिडेंट हो गया भाई मेरे साथ। मैं ऐसे उठा फ्लाइट से और ऐसे थोड़ा में अपनी गोटरी नहीं लग गई, मैं बेहोश हो गया पूरा, एयर सारे स्टाफ भाई 74 हो सकती है, कोई ऑक्सीजन बना रहा है, कुछ कर रहा है। फिर मैं पहले इतनी देर तक मैं बैठा हुआ था, किसी गोडे पर बैठा हुआ था आगे, उस बंदे की भी फटी हुई। फिर 10 मिनट तक मेरे को ऑक्सीजन पिलाया, फिर मैं ठीक हुआ, पता नहीं ऑक्सीजन ने, फिर ऑक्सीजन उसने वो लगाया था, वो तो पूरी फुल थी ऑक्सीजन, 99 थी। फिर मैं 10 मिनट ऑक्सीजन ली,
वहाँ बैठा फिर ठीक हुआ, पता नहीं क्लॉस्ट्रोफोबिया भी हुआ था, डिहाइड्रेशन भी क्या हुआ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी दुबई की लिफ्ट में, कल से एनर्जेटिक व्लॉग जाएंगे, कल के आउट हैं तो बहुत नींद आ रही है, पता नहीं घुटने छिड़ गए मेरे गिर के। आज के व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हम मिलेंगे कल अगर जिंदा हुए।